ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। अरे बेवकूफो, जो कहते हैं मोदी डर कर लौट आए वो ये नहीं जानते कि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या से क्या हो जाता। ट्रिगर पर उंगली आ ही गई थी, 1 मिनट में 2600 राउंड फायर, गांव में पित्तल भर देती इन कमांडोज की ऑटोमेटिक गन, प्रदर्शन जीवी के सिर से पांव तक इतने छेद हो जाते कि कंफ्यूज हो जाते सांस कहां से ले, और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अभी तो मोदी को बचाने के लिए आंखों में गुस्सा उतर ही रहा था, अभी तो बॉडी लैंग्वेज आम से खासी हुई थी, अभी तो बस एक हुक्म का इंतजार हो रहा था, एक इशारे पर ऐसा तांडव होता कि झंडा उठाने वाले जन्मों जन्मों तक उठना भूल जाते। पंजाब से मोदी डर कर वापस नहीं आए, मोदी नहीं आते तो क्या होता जान लीजिए। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस मोदी के SPG कमांडोज को देखिए, आंखों पर काला चश्मा, ब्लैक कलर की कोट और चीते सी नजर लिए तैनात ये जवान क्या से क्या कर सकते हैं, जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। प्रदर्शनकारी BJP का झंडा लेकर PM मोदी के काफिले तक पहुंच चुके थे। PM पर खतरे का अंदेशा देख SPG कमांडोज ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन PM मोदी ने खुद की परवाह किए बगैर सबकी जान बचा ली। नहीं तो एक इशारा मिलता और फिर उसके बाद फिल्मों में जो सीन देखते हैं ना आप, वो मंजर आपकी आंखों के सामने होता। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 SPG के जवान ही तो खड़े हैं, ये क्या बिगाड़ लेते, अरे ये 2-4 ही 2-4 हजार को निपटाने की हैसियत रखते हैं। ये माँ की कोख से पैदा होते ही मौत से दोस्ती कर बैठने वाले लोग होते हैं। SPG के ऑफिसर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। SPG कमांडोज ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। ये मेड इन बेल्जियम राइफल है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करती है। कमांडोज के पास FNP 90 सब मशीन गन होती है जो 1 मिनट में 900 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास FN SARC H असॉल्ट राइफल होते हैं, ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज 400 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है, इसके पीछे रखकर PM को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल होती है, ये एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जो 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। इसका मतलब हुआ कि PM मोदी को एक खरोच भी नहीं आने वाली थी, लेकिन उनको छूने की गुस्ताखी करने वाला जिंदा भी बचता या नहीं इसकी गारंटी नहीं थी। अब समझ में आया कि अगर PM मोदी और 5 मिनट रुक जाते तो क्या से क्या हो सकता था। इन कमांडोज के कानों में एयर प्लग लगा होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने साथी से बातचीत करने के लिए करते हैं या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते भी आम जूतों से काफी अलग होते हैं, ये किसी जमीन पर नहीं फिसलते। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होने देते। PM की सुरक्षा में कई जगहों पर तमाम घेरों में 1000 से ज्यादा SPG कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है, इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक SPG के ही होते हैं। इन्हें चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की मनाही होती है। PM ने खुद भी रिस्क लेते हुए कोई आदेश नहीं दिया, शायद प्रधानमंत्री ने ही वहाँ की स्थिति को तुरंत भांप लिया था, वरना उसके बाद उनके एक फैसले से क्या हो सकता था। झंडा उठाने वाले 54 गिनते रह जाते हैं।